हेलो फ्रेंड्स, देखिए मार्केट्स के अंदर लास्ट 2 वीक से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहे 15,900 का लेवल। वंस व्हेन निफ्टी इज एबल टू ब्रेक 15,900 ऑन क्लोजिंग बेसिस, वी आर गोइंग टू सी ए शार्प रैली। 400 से 500 पॉइंट का अपसाइड मूव निफ्टी में देखने को मिलेगा। देखना यह है कि 15,900 कब टूटता है और उसके ऊपर क्लोजिंग कब देखने को मिलती है। होपफुली इस हफ्ते में देखने को मिल जाना चाहिए। 15,700, 15,600 नीचे में सपोर्ट लेवल है। 15,700, 15,600 ये नीचे में सपोर्ट लेवल है। जब तक ये लेवल्स नहीं टूटते पोजिशन होल्ड करके चले। ऊपर में जैसे 15,900 का लेवल टूटेगा तो 16,000 से 16,200 तक के लेवल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे और 400 से 500 पॉइंट का मूव निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। लास्ट टाइम जब 15,400 का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया था तो 500 पॉइंट का मूव हमने निफ्टी में देखा था। इस बार 15,900 का लेवल जैसे ही ऊपर में टूटेगा तो 400 से 500 पॉइंट का मूव हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए और सपोर्ट के साथ बाई कीजिए। व्हेन इट कम्स टू बैंक निफ्टी हैज गिवन ब्रेकआउट, वी हैव सीन अ गुड मूव फ्रॉम लोअर लेवल्स बट स्टिल सम रेजिस्टेंस इज देयर ऑन हायर साइड। वंस द रेजिस्टेंस लेवल्स आर टेकन अवे, वी आर गोइंग टू सी अ गुड अप मूव इन बैंक निफ्टी टू। मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में यहाँ से 1,000 से 1,500 पॉइंट का अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। 36,500, 37,000 ये लेवल ऊपर में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। अभी 35,600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कोई भी 200 से 300 पॉइंट का डाउनफॉल अगर आता है तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी कीजिए। 34,700 और 35,000 ये नीचे में सपोर्ट लेवल है। ऊपर में 36,500 से 37,000 तक का मूव बैंक निफ्टी में जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। व्हेन इट कम्स टू स्टॉक स्पेसिफिक मूव, कोटक बैंक मुझे चार्ट के ऊपर अच्छा दिख रहा है। कोटक बैंक में यहाँ से 100 रुपए की तेजी बनेगी। आप लोग कोटक बैंक में नजर रखिए। कोई भी डिप आता है खरीदारी कीजिए, एग्जिस्टिंग पोजिशन होल्ड करके चलिए। 1720 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाइए। यहाँ से बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो यू शुड फोकस मोर ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स विच कैन गिव गुड अप मूव। वंस व्हेन बैंक निफ्टी मूव्स, ऑल दी स्टॉक्स इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल विल गिव गुड मूव। So focus more on banking and financial stocks. When I talk of banking stocks, you should focus more on PSU banking stocks also. SBI, Bank of Baroda, Canara Bank, PNB इन स्टॉक्स में भी यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। So focus more on SBI looks good to me. A move of around 8 to 10% can be seen from present levels. तो कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। नेक्स्ट पॉडकास्ट में अगर ये ब्रेकआउट आया तो ऊपर के लेवल्स हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।